ओम नमः शिवाय। आखिर क्यों मनाई जाती है हर साल महाशिवरात्रि, आइए जानते हैं इसके पीछे के गूढ़ रहस्य। हर साल भारत में शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सभी भक्त भगवान शिव को फूल अर्पित करते हैं और शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। इस दिन भक्त भांग भी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि का असली जो महत्व है वह क्या है और इसे क्यों मनाई जाती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं। महाशिवरात्रि मनाए जाने के संबंध में पुराणों में कई प्रथाएं प्रचलित हैं। भगवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वे समुद्र के जल में मिश्रित हो विष के रूप में प्रकट हो गई। विष की यह ज्वालाएं संपूर्ण आकाश में फैलकर समस्त चराचर जगत को जलाने लगी। इस भीषण स्थिति से घबराकर देव मुनि भगवान शिव के पास गए तथा भीषण तम स्थिति से बचने का अनुरोध किया तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाएं, हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान शिव तो आशुतोष और दानी हैं। वे तुरंत प्रसन्न हुए तथा तत्कालीन उस विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे कंठ में धारण कर लिया तथा भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस समय समुद्र के जल से चंद्र अपनी अमृत की किरणों से प्रकट हुए। देवताओं के अनुरोध पर विश्व की शांति के लिए भगवान शिव ने अपनी ललाट पर चंद्रमा को धारण कर लिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर पड़ा। शिव द्वारा इस महान विपदा को झेलने तथा गरल विश की शांति हेतु उस चंद्रमा की चांदनी से सभी देवों ने रात्रि भर शिव की महिमा का गुणगान किया। वह महान रात्रि तब से शिवरात्रि के रूप में मनाई जाने लगी। लिंग पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दोनों महान शक्तियों के बीच में दिव्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग शुरू हो गया। युद्ध घोषित कर दिया गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को शांत करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यह लिंग ज्वालामय प्रतीत हो रहा था, ना तो इसका आदि था और ना ही अंत। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही इस लिंग को देखकर यह समझ रहे थे कि यह क्या वस्तु है। विष्णु भगवान सूकर के रूप धारण कर नीचे की ओर उतरे तथा ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर। यह जानने के लिए कि इस लिंग का आरंभ कहां से हुआ है और यह कहां तक है, दोनों को ही सफलता नहीं मिली। तब दोनों ही ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तब देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्र की तरह चमक रहा था और उन तीनों कार्यों पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव को देखा। इस अद्भुत दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु अति प्रसन्न हो शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न होकर दोनों को अचल भक्त का वरदान दिया। प्रथम बार शिव को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इसे शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। वैसे तो कथाएं नाना प्रकार की हैं, लेकिन कथाएं जो भी हों, सच्चाई इस बात की है कि विकट घड़ी में भगवान शिव ने, चाहे विषपान से संबंधित समस्या थी या दो महाशक्तियों के युद्ध अशांति की, भगवान शिव ने साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक जगत के कल्याण हेतु आपदा प्रबंध किया। इसे शिवरात्रि के रूप में मनाया गया और लोक कल्याण, उदारता और धैर्यता का प्रतीक माना गया। तभी से शिवरात्रि को हम और आप सभी मनाते हैं और यह सारी की सारी भोले बाबा नीलकंठ महादेव के गुणगान हैं, उनकी कथाएं हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है और इसके महत्व क्या हैं। और शिवरात्रि शुरू हो चुकी है तो भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाइए और मेरे साथ जोर से कहिए, जय नीलकंठ महादेव।